नमस्कार, आइए सात पर प्रकाश डालें। ये आपकी कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा उंगली किसी भी बड़े निर्णय के लिए, ज्ञान के लिए, सभ्यता के लिए, यादाश्त के लिए, बिल्कुल करीने से ज़िंदगी को जीने के लिए जानी जाती है। इस उंगली के अंदर यही सारी की सारी चीज़ें भरपूर अवस्था में भरी हुई हैं। तो बिल्कुल आप में निर्णायक क्षमता है, आप कार्य करने के प्रति पूरी तरह से अग्रसर रहते हैं, अच्छी तरह से फैसले भी लेते हैं, दूरगामी भी हैं। तो यहाँ सारे गुण इस उंगली के अंदर भरे हुए हैं। अब बात कर लेता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर यश के लिए, मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ सूर्य की उंगली का जुड़ाव बिल्कुल आपकी सोनी शनि की उंगली के साथ में भी है। आप अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को साथ लेकर के चलने वाली व्यक्ति हैं और कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो आत्मा से बहुत सच्चे हैं। ये कुछ भी ऐसी कोई यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं नज़र आती जिसके कारण मैं कह सकूँ कि आपको कोई बहुत बड़े रोग हृदय से संबंधित हों, तो वो भी कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाती है, अच्छी सोच के लिए जानी जाती है। यहाँ सेकंड और थर्ड पर कुछ छोटे छोटे कट के निशान हैं, यानी वर्तमान में कहूँ तो अपनी व्यावहारिकता पर थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा, जिससे कहीं आपको धन हानि ना हो जाए। थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, इस बात को बताती है शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी महादशा। जब जब आपके जीवन में आएंगी तो उनमें आपको थोड़ा नुकसान रहेगा आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। आइए बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पर फर्स्ट पर और सेकंड पर ये कट आना अच्छा नहीं कहा जाता। ये असल में ये जो पट जब कट होते हैं तो थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद के लिए दर्शाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कह सकते हैं पूजा पाठ ईश्वर की भक्ति तो पूरी है, छोटे बड़े लोगों को सबको सम्मान आप आदर सम्मान भी देते हैं, ये सब भी ठीक है। बस वही जो गलती थी वो मैंने बताई थोड़ी सी, वो इस समय के लिए दिखाई देती है। आइए बात कर लेते हैं अब आपके सीधे सीधे बुध पर्व। बुध पर्व और बुध पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, जब यहाँ पर ये इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं चलती हैं तो ये आदमी के अंदर एनर्जी भरती हैं। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो आपके पास में एनर्जी भरने वाली रेखाएं हैं जो आपके जीवन में संतान का सुख सोहे भी आपके जीवन के अंदर कर देगी। तो यहाँ पर ये अपने आप में वो रेखाएं हैं, साथ ही साथ सम पर्वत है, स्थिति कुछ भी है वर्तमान में आपको धन के आगमन बनाए रखेगी। अब बात कर लूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और सूर्य का पर्वत यहाँ पर यदि देखते हैं तो अनुकूल अवस्था में नहीं है। एक दूसरे को काट कर जाने वाली रेखाओं के रूप में सूर्य पर्वत जब होता है तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित नौकरियां नहीं मिलती, साथ ही साथ कहें तो राज्य सरकार के टेंडर भी नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार से कुल मिलाकर लाभ नहीं, राजनीति में जाएंगे तो उन्नति नहीं। तो यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लूँ आपके पास सीधे सीधे आपके पर्वत, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन का पर्व जब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल अनुकूल अवस्था से, यानी ये एक मैं कह सकता हूँ आपके एक सवाल का जवाब गारंटी के साथ कि आपने कहा कब बनूँगा करोड़पति। करोड़पति तो ज़रूर बनेंगे, करोड़पति बहुत अच्छी इस तरह के बनेंगे और बिल्कुल निश्चित, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 55 वर्ष का। तो यहाँ ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है 55 के बाद की। अब बात करता हूँ बृहस्पति पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व और यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएँ, जब शनि पर्वत को इतनी ज़्यादा रेखाएँ देखती हैं तो व्यक्ति के पास जिंदगी में योजनाओं से धन प्राप्त करने की काफ़ी अवसर आते हैं। साथ ही साथ आपके पास निश्चित रूप से अपना मकान होगा, पैतृक संपत्ति का ना हो तो स्वयं का मकान भी व्यक्ति बना जाता है। तो यहाँ इस प्रकार के यहाँ अवसर आपके पास मौजूद। आइए हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। आपके दूसरे हाथ में व्यवहार है जैसी भी चमकी है मुझे, और साथ ही साथ यहाँ जब देखता हूँ तो ये ऊपर से और नीचे से एक तरह की जब रेखाएं चलती हैं तो ये समझ लिए थोड़ा सा हृदय आंगनी के साथ में टकराव को दर्शाने वाली, यानी ऐसी स्थिति आपके हाथ की यहाँ हृदय रेखा बताती है कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है ये लगभग 39 वर्ष तक तो ये दीप भी काम कर रहा है। तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को तो आपके जीवन में बने रहेंगे, यहाँ दिखलाने वाली बात यह है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए खड़ा जाता है और उसका धन लौट के नहीं आता, तो उस तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अभी बात कर लेते हैं आगे आपके सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है। मंगल पर्व पर यदि रेखाएं ये वाली नहीं होती तो व्यक्ति हाथ पर हाथ धर के घर पर बैठ कर के सपने देखता है, परंतु जिसके पास ये एनर्जिक रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है। यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं शक्ति के लिए जानी जाती हैं, यदि कर्म करने के लिए जानी जाती हैं तो इस तरीके से यहाँ निकल करके ये रेखाएँ सब पर्वतों को देख रही हैं, यानी कि भाग दौड़ में तो आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। यहाँ मंगल रेखा निकल करके खड़ी हुई रेखाएं जा रही हैं, ये भी अपने आप में इस बात को दर्शाती हैं कि आपके जीवन में पत्नी का सहयोग भी यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि 39 से 43 वर्ष के बीच में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, यानी 39 से लेकर 41 तीन वर्ष ऐसे आएंगे जिनमें आपको काफ़ी लाभ के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। वो बहुत बढ़िया समय आपके जीवन में आने वाला है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल और द्वितीय मंगल पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कोई ऐसे झगड़े झंझट के तो नहीं दिखलाई देते, साहसिक रेखा के रूप में एक रेखा दिखाई देती है, तो ये है अपने आप में। अब बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। बुद्धि रेखा हाँ कुछ नहीं, ज़्यादा खराबी नहीं है, कुल मिलाकर थोड़ी सी रेखाएँ ऊपर की तरफ दिख रही हैं तो थोड़ा साहस बनाती हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब बात करता हूँ आपकी ये लहरदार सीधी जा करके रेखा बुद्धि रेखा और जा करके चंद्र पर्वत के साथ संपर्क बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में जो भी व्यापार करना यदि चाहें तो उस व्यापार को करने के लिए आपको ट्रेडिंग आपको दूर स्थानों से ज़रूर जुड़ना पड़ेगा, तभी जा करके वो आपका माल जो है वो बिक्री रूप में बनेगा। तो यहाँ इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर जो स्थिति है, तो बुद्धि की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दूर स्थानों से जुड़ेंगे जब आपकी योजनाएं सफल हो पाएंगी। व्यापारिक रेखाओं के बाद में बात कर लेता हूँ। यहाँ व्यापारिक रेखा की यदि बात करता हूँ तो व्यापारिक रेखाएँ आपके हाथ के अंदर ये दूर स्थान से निकल करके मिलने वाली रेखा, यानी कि शुक्र से संबंधित जो काम है उनके लिए दर्शाने वाली ये रेखा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कभी कभी तो व्यक्ति को पत्नी के द्वारा ससुराल से काफ़ी अच्छा धन मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति अपने काम में अगर मेटल को, स्टील को, या कह लिए कि आप इंटीरियर डेकोरेशन को यहाँ पर यदि आप जो है जोड़ेंगे ऐसे तो ये इनसे आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाले इस प्रकार को दिखला दे। पत्थर को तो मकानों में सजाने वाले टाइल्स को तो वो उनसे भी काफ़ी लाभ के संकेत यहाँ हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। चंद्र पर्वत पर ज़्यादा रेखा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी रेखाएँ हैं जो इस बात को बता रही हैं कि आपको ज़्यादा यात्रा नहीं है यहाँ पर, लेकिन केतु स्थान बहुत ज़्यादा प्रभावित है। केतु स्थान पर जब इस प्रकार इतने सारे क्रॉस के चिन्ह आते हैं तो विशेष रूप से मैं सावधानी कर देता हूँ, एक शुक्र रेखा आकर और निकल जाती है, यानी कि थोड़ा सा चरित्र के लिए विशेष रूप से सावधानी के लिए मैं आपको कहूँगा, या ज़्यादा आकर्षण के चक्कर में कर्ज से नालद जाएं, इस प्रकार की रेखा भी कई बार देखी जाती है, लेकिन ज़्यादा मुझे चरित्र से संबंधित आपको सतर्क करना होगा। साथ ही साथ ये रोगों वाला क्षेत्र है, यहाँ इतनी सारी रेखाओं एक दूसरे को जब काट देती हैं तो व्यक्ति को रोग के लिए नियंत्रण अपने आप पर रखना होगा। अपना रेगुलर चेकअप आप करा दे रही है, बहुत रोग का इस समय पर ये चिन्ह बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैंने बताया, अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक बहुत अलग रेखा की, ये कि आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा कहीं से भी अगर वर्तमान स्वरूप से मैं कहूँ तो पैतृक रूप से तो कुछ मजबूती आपको मिली है, लेकिन जहाँ से आपका भविष्य शुरुआत होती है वहीं पर ये एक बराबर यहाँ से एक रेखा और निकल करके यहाँ इसके बराबर बराबर चल करके साथ साथ जा रही है, यानी कि ये बात निश्चित रूप से हो गई। अभी आप 37 पे कह रहे हैं तो ये निश्चित रूप से ये बात बता रही हैं रेखाएँ कि आप नौकरी के साथ व्यापार करेंगे ज़रूर, यानी एक सहायक रेखा साथ साथ जब चलती है तो व्यक्ति को नौकरी के साथ साथ व्यापार जरूर करता है, यानी दूसरा कार्य जरूर करता है।
तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। तो मौजूद साथ के साथ एक और रेखा का मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। यहाँ पर एक रेखा यहाँ से उठ करके, जो मैंने अभी बताया था आपको, पहले ही बता चुका हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि एक रेखा जो यहाँ से उठ करके जा रही है, ये आपके 39 से और बिल्कुल 43 वर्ष तक आपको अच्छा खासा सहयोग मिलने वाला है। तो चलिए, आपकी सब बातों रेखाओं को बता दिया, मैं बता रहा हूँ आपको करोड़पति कब बनूँगा। देखिए, 55 वर्ष के बाद तो वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। उससे पहले जीवन के अंदर संघर्ष है और सुचारू रूप से ज़िंदगी भी चलती रहेगी। कोई इतना ख़राब हाथ नहीं है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति है। कौन सा बिजनेस करूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल दिया, मेटल का, स्टील का, पत्थर का, और साथ ही साथ इंटीरियर डेकोरेटिव का, और साथ ही साथ सप्लाई बिना तो आपका काम चलेगा नहीं, यानी दूर स्थानों से तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। आपका जो भी बिजनेस चल रहा है उसको भी आप अगर दूर स्थान से जोड़ेंगे तो वो चलेगा ही चलेगा। डूइंग जॉब एंड बिजनेस बिल्कुल दोनों के दोनों चलते ही रहेंगे, साथ के साथ दिखलाई पड़ता है। आपने कहा तो इसलिए आप नौकरी न छोड़ें बिल्कुल भी। और आपने कहा है कि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, आप कह रहे हैं कि जी कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए अगर बात करते हैं तो देख लेते हैं ज़रा, आपके हाथ में दिखलाई पड़ती हैं क्या वो रेखा? हाँ बिल्कुल, आपके हाथ में निश्चित रूप से दिखलाई पड़ती हैं। 2 संतान का योग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, बाकी पत्नी क्या से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। सेहत के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है। आइए आपके शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ अनुकूलता के साथ में है, मैंने बता दिया था, थोड़ा ध्यान रखना है चरित्र का, बाकी सुख संपन्नता ठीक ठाक आपके पास, जीवन यानी जीवन की सुख सुविधा ठीक ठाक रूप से है। तो चलिए एज बता देते हैं, आपकी एज जो यहाँ पर इस समय तक दिखने में लगती है लगभग 77 वर्ष की, तो आयु रेखा आपकी लगभग 77 वर्ष की बनी हुई है। तो साथ ही साथ एक संजीवनी रेखा अंदर की तरफ है जो 25 वर्ष से लेकर के और लगभग 40 वर्ष तक आपको सब मुसीबतों से निकालेगी भी। तो सारी रेखाओं पर्वतों को बताया, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप ऐसा क्या करें जिससे आपके डिसीजन गलत ना हो और आप रोगों से बचे रहें। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा पन्ना आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप ना मिले तो मुझसे संपर्क कर लें, मैं आपके ऊपर पहुँचा सकता हूँ। तो चलिए, ये आपको तो पन्ना पहनना है, साथ ही साथ रोजाना अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत ये पढ़ें, और यदि हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन से ही आप देवी कवच जरूर पढ़ें। तो बस इतना करें और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।